look at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Fashion something.
अच्छा थे हामी बेटा, रूल्स मैं आपको बता दूं, बल्कि आप जो सारे बच्चे देख रहे हैं वो भी ये रूल्स फॉलो करें एग्जाम के लिए. सबसे पहले तो हैंड राइटिंग बेटा नहीं करनी, ओके? नंबर वन. ये मैं वाकई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस बता रही हूँ, सही बात. लेकिन वैसे मैं ब्लॉग में, हाँ जी, वो विंडो से बाय बाय कर रहा है हर किसी को जी. ये लोग पीछे लगाएगा फैन फॉलोइंग. मिशी को ये बड़ी बुरी आदत पड़ गई, हर एक को बाय बाय करता रहता. रूल नंबर वन ये है कि आपने एग्जाम में राइटिंग बहुत नीट करनी है, और रूल नंबर टू सिर्फ आप पे अप्लाई होता है, वो ये कि आर आपने ठीक लिखना है, वी की तरह नहीं लिखना, ओके? रूल नंबर थ्री ये है कि पेंसिल शार्प रखनी है आपने, और इरेजर से जब इरेज करना है तो अच्छी तरह करना. आप सिर्फ यूं ऐसे करते हो, रब और बस कर देते हो, है ना, अच्छा इरेज करना है. और उसके बाद ये है कि जो आपने ज्वाइन करना है ना मैच का फॉलोइंग जो होता है, उसको आपने स्केल से करना है. हाँ जी, बता दो. और लास्ट में ये है कि आपने हर चीज़ रीचेक करनी है, और रीचेक सिर्फ ऐसे नहीं करनी कि बस ऐसे ऐसे देख लिया, अच्छा मैंने किया है कि नहीं किया. रीचेक करने का मीनिंग ये है, अगर मैथ होगी तो दोबारा कैलकुलेट. हाँ, मैथ तो बाद में है ना, अभी फ्रेंच है ना, तो फ्रेंच में आपने सारे स्पेलिंग देखने हैं अपनी काउंटिंग के, और जो भी आप वर्ड्स लिखेंगे ना उनके, और जो वर्ड्स देख के कॉपी करने ना, जैसे वो फ्लावर का, हाँ, तो उनको एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखना है. ठीक है मेरे बेटा? हाँ, नहीं है. सुना भी है, घर तो जाना पड़ेगा. और आज मैं बहुत दिनों के बाद ड्रिंक पीने लगी हूँ, डाइट पेप्सी या डाइट कोक. किसने कहा था आपको पीने का? मुझे किसने कहा था? परमिशन किसने दी थी आपको? मैंने बाबा से परमिशन ली थी. और वो कब? आज जब आप मैं किचन में थी. मुझे क्यों परमिशन चाहिए? अम्मा मैं कैसे करते हैं ऐसे, और जूस कैसे पीते हैं, और जिद कैसे करते हैं? जिद बहुत अच्छी करते हैं. और डांसी डांसी कैसे करते हैं? और नीनी कैसे करते हैं? नीनी कैसे क्या? हिट स्टोरी 4 का सॉन्ग है, रिकॉर्ड हो रहा था. इतने आइसक्रीम बनी लिया بس واحد بدون ايس كريم يعني بسكويت بس يعني واحد بسكوت وواحد فانيلا عادي اي 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 طيب اوكي يعطيك العافيه شكرا الله يعافيك هاي اي منشند ون وذاوت ان ايس كريم جست ذا بسكوت بليز ثانك يو هر كل ميله لمبي دل अच्छी बात है बेटा, एंजॉय करो. देखो कितनी लंबी है ऐसी. ओए, सबको पता चल जाता है कि हामी आया है. आ रही है आपके लिए. अब तो मिशी भी आइसक्रीम खाता है. आ रही है. ओए मेरा बच्चा, आइसक्रीम नहीं मिली, अभी आती है. ओके, 1 मिनट. कैसे एकदम परेशान हो गया कि मुझे नहीं मिली. थैंक यू. हेलो. आहा, चलो जी खाओ, बैठ के मामा की गोदी में बैठ जाओ और खाओ. चलो पूछिए. कैसे है, मजे का? मजे का खाने में. इस वक्त रात की 12 o'clock से भी ऊपर टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं मुझे भी पता. और ये थे हामी के टीचर ने एक्स्ट्रा फेवर मांगी थी. ऑल दो उसका प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसके टीचर को चाहिए था, तो ऑब्वियसली रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता था. उनको ये था कि आप क्रिएटिव बहुत हैं तो आप अच्छा सा बना लेंगी, तो ये मैंने बनाया है. द नेक्स्ट स्टेप, ये देखें भाई, सोंदू थे हामी जो है ना स्टेपल कर लेता होता है. स्टेपल करें, इधर से भी स्टेपल करें, इधर से भी. स्टेपलर बंद कर दें, खुला रहता है सिर्फ स्टेपलर. इसकी पिन निकालूं अंदर से खींच की जो नज़र आ रही है. ये है कुछ स्टफ़ जो मैं अब तक लेके आई हूँ समर का, और बहुत दिन हो गए, आई थिंक 2 weeks हो गए ये लिए हुए, और कुछ सामान अब यूज़ होना शुरू हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था. तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ. ये मैंने
ये मैंने कॉलिंस से लिए थे शहजाद के लिए टी शर्ट्स, घर में पहनने के लिए लिए हैं और काफ़ी अच्छी हैं। मैं कभी कुछ ले लेती हूँ ना तो शहजाद को पसंद तो आता है, लेकिन शहजाद ऑब्वियसली उनकी अपनी चॉइस और वो चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से लें। तो अभी मैंने इतनी सी ली थी और वो हमें पिक करने आ गए थे ऑफिस से, तो इसलिए मेरा ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं चली उनके ऊपर जो भी ले लूँ, लेकिन पहनना उन्होंने घर पे वही है, वो जो स्ट्राइप्स वाले टी शर्ट्स, आप सबको भी याद हो गई होगी वो। तो खैर ये मुझे अच्छी लगी थी कि प्लेन है और स्टोन वॉश लग रहा है थोड़ा सा फैब्रिक, मतलब पैटर्न इसका ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉटन है और ये थ्रेड से डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये अच्छी लगी थी मुझे। और दूसरा मुझे इस तरह की टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं और इस पे लिखा हुआ है दी एंडलेस समर, थिंक अ लिटिल लेस लिव अ लिटिल मोर, अच्छी है ये भी। और एक ये ली थी आर्मी वाली शर्ट। अच्छा जी, आते हैं मिशी की चीज़ों की तरफ। अरे मुझे बीच में और अच्छे लगा करेंगे, शर्ट्स वगैरह तो साथ साथ लेती रहूँगी, लेकिन आई थिंक काफ़ी हैं छोटे बच्चे के लिए फ़िलहाल के लिए हाफ स्लीव शर्ट्स, अभी तक तो फुल ही पहन रहे। गर्मियाँ आ गई हैं लेकिन घर में हमारे थोड़ी सी सर्दी होती है और साथ में जो है वो एसी वगैरह भी चलते हैं, तो फ़िलहाल मैंने उसे फुल स्लीव शर्ट में रखा हुआ है, ज़रा उसको हाफ़ स्लीव पहनाते हैं तो साथ ही उसकी जो है वो नोज़ रनी हो जाती है, तो इस वजह से खैर। और दूसरी बात यह कि मुझे 2-3 ईयर्स के कपड़े लेने पड़े हैं माशाल्लाह से, ये इसको ज़रा लंबे हैं, पूरे नहीं है इसको, लेकिन ये कि जो 18-24 मंथ्स का साइज़ है, जो यानी कि जो इससे कम का साइज़ है, वो टॉडलर वाले सेक्शन में आता है, बेबीज़ वाले सेक्शन में आता है, और वो इसको अब वो शर्ट्स पहन रहा है बिल्कुल पूरी पूरी सी हैं, तो समर तक वो साइज़ नहीं चलेगा, तो मैंने ऑलरेडी जो है एक साइज़ बड़ा ले लिया। ये है एक फ़ुटबॉल न्यूयॉर्क चैम्पियन, और एक ये है, ये और ये कलर थे हामी और मिशारी का, ऑलमोस्ट सेम है, सो मैं बहुत खुश हूँ। मेक सम नॉइज, आई एम ए लेजेंड, ये ऑरेंज है, और स्नैक टाइम, डायनासोर्स पिज्ज़ा खा रहे हैं, अच्छी लगी थी मुझे। और ये भी अच्छा कलर था, और इसके ऊपर जो है ये जो एम्बेलिशमेंट है ये बहुत अच्छी लगी है मुझे, टाइप RXS7, नाइस, रोबोट अटैक। इस दफ़ा अच्छी शर्ट्स देखी हैं मैंने, इनकी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, ये ज़रा डली लगी थी मुझे थोड़ी सी, लेकिन ये चूँकि आर्मी थी तो इससे तिहामी हर जगह जहाँ पे आर्मी का कुछ मिले तो तिहामी ऑब्सेस्ड आर्मी के साथ, वो कहते हैं मम्मा ले लें, तो ये ले ली थी। और उसके अलावा मैंने फिर ये फुल स्लीव शर्ट्स ले ली थी सिर्फ इसलिए कि अगर ज़्यादा समर टाइम है और मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो नीचे वेस्ट पहन के ऊपर ये शर्ट पहन ले, या फिर बटन बंद कर ले, और या फिर अगर दूसरी तरह पहनना है तो फिर इस टी शर्ट नीचे पहन के उसके ऊपर ये इसको पहन सकता है। एक शर्ट ये थी, और ये शर्ट्स आई थिंक ये 2 शर्ट्स 30 रियाल्स की थी या 27 की थी, आई थिंक 12 रियाल्स की एक शर्ट थी, विच इज़ वेरी वेरी चीप और बहुत अच्छा मटेरियल छोटे बच्चों के लिए है। और ये तो थी आई थिंक ये 30 रियाल्स की थी, सारी 35 रियाल्स की थी। और ये और एक शर्ट ये है, लेट्स गो फॉर अ रोड ट्रिप एरिजोना, और एक शर्ट ये थी, रेगाटा रेसिंग। ट्राउजर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसके 2 ट्राउजर्स मैंने लिए हैं, जस्ट स्टे कूल, और ये देखें इसके फ्रंट पे पॉकेट कितनी प्यारी है, बहुत प्यारा ट्राउज़र लगा मुझे ये, और ये भी 2-3 ईयर्स का है, थोड़ा सा लंबा है इसको, आई थिंक ये 18-24 मंथ्स है, हाँ जी, क्योंकि पैम्पर पहन के लेग्स तो छोटी सी हुई होती है ना, इतना बड़ा पैम्पर लगा होता है, तो ये इसको थोड़ा सा लंबा है, लेकिन चूंकि ये 2-3 ईयर्स की ली थी तो फिर इस वजह से भी मैं एक ही साइज़ कैरी करना चाह रही हूँ। दूसरा ये ट्राउज़र है, सिंपल अच्छे हैं, घर में तो शॉर्ट्स कम ही पहनेगा, देखते हैं। तिहामी जब छोटा था उसे तो बहुत सर्दी लगती थी, इसका वैसे मुझे लगता है कि इसको सर्दी नहीं लगती है, तो देखते हैं फिर इसकी शॉर्ट्स वगैरह लेंगे।
और जीन्स मैंने एक ही लिया है, जीन्स मुझे और चाहिए थी इसकी, इसके पास अब सिर्फ दो जीन्स रह गई हैं जो उसको पूरी हैं। विंटर में भी मैंने स्टार्ट में स्टफ़ ले लिया था, तो जीन्स तो आपको पता है वही होती हैं समर विंटर, तो वो अब मुझे लग रहा है कि मुझे और लेनी चाहिए। तो सुबह सुबह उठी हूँ तो मुझसे इतनी बात ही नहीं हो रही है लेकिन ये मैंने कल रात के रखे हैं ताकि मैं सुबह उठते ही ब्लॉक कर लूँ, मशीन आए बीच में। और ये वेस्ट का पेयर था, एक इसको पहना दिया था तो वो नहीं रखा, और एक पैकेट में टू वेस्ट थी और ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बहुत अच्छा। ये तो आप मतलब वैसे भी बच्चे को पहना सकते हैं, प्रॉपर वो वेस्ट नहीं है कि जो आपने उसको नीचे ही पहनानी है कपड़ों के, तो ये मैं इसकी और ले लूँगी, घर में पहना रहेगा अगर ज़्यादा गर्मी है तो। अब आते हैं तिहामी के कपड़ों की तरफ। तिहामी के कुछ मैंने गैप से लिए हैं, और आई थिंक जो उसकी बिलियर्ड वाली जो वीडियो थी उसमें आपने देखी होगी, शर्ट और पैंट तो आई थिंक आपने नहीं अंदाज़ा लगा होगा, वो कलर की उसके साथ पैंट्स थी और बहुत अच्छी लग रही थी, और ब्लैक कलर की शर्ट थी। बस एक वो एक्स्ट्रा लिया हमने समर का अब तक मतलब, तो बाकी जो है वो ये लिया मैंने उसके लिए। शर्ट ये रेड टैग से ली थी लंदन इंग्लैंड, और ये 8 to 9 years के सारे लिए मैंने उसके, थोड़े से उसको भी लंबे हैं हालांकि वो 8 years का हो गया है। पहले उसको मिशारी की तरह छोटे साइजेस पूरे नहीं आते थे, मतलब अपनी एज के हिसाब से साइजेस नहीं आते थे, बड़े साइज लेती थी, और अब आके मुझे लगता है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकी है क्योंकि हमेशा से ये है कि 6 years का है तो वो 7 to 8 पहन रहा है, तो अब जो है वो 8 years का माशाल्लाह हो गया तो 8 to 9 पहन रहा है, उस हिसाब से उसे 9 to 10 पहनने चाहिए थे ना, तो मुझे लगता है ग्रोथ उसकी थोड़ी सी रुकी है, अभी हाइट बढ़नी है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ये है, और आई थिंक ये भी रेड टैग से है, नहीं बाकी सब मैक से है। ये फर्स्ट टू शर्ट्स रेड टैग की थी, और बॉर्न टू बी अ रॉक स्टार, कलर काफ़ी डल है, बच्चों के लिए मुझे इतने डल नहीं अच्छे लगते, लेकिन तिहामी जो है ना उसके अंदर कोई आत्मा है बुज़ुर्गों की, और वो जो है ना डल ही पहनता है मेरी तरह, मैं भी वैसे अपनी बचपन में डल अच्छे लगते। और एक ही शर्ट है रेड, और बार्सिलोना, एक ही टाइप के वो वैरायटी है बस, लेकिन कलर्स चेंज हैं लेकिन अच्छे हैं। और ये एक जीन्स ली थी, और दूसरी जो है वो चूंकि पहन चुका है और वॉश होके कबर्ड में पड़ी है तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये है जीन्स जो इसके लिए है, और ये भी आई थिंक 8 to 9 years है, 8 to 9 years है ये भी, और ये आई थिंक फुल प्राइस पे थी, 62 रियाल्स की है और ये फुल प्राइस पे। अब आते हैं मेरे स्टफ़ की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ ना, इतने प्यारे स्कार्फ हैं, मुझे ग्लिटर और ये जो शाइनी चीज़ें होती हैं ये मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, मतलब ये देखें इसके अंदर गोल्डन है, इसके अंदर सिल्वर है, इसके अंदर भी सिल्वर है, और ये कलर्स कितने प्यारे हैं। वाइट मैं यूजुअली नहीं पहनती हूँ, और गोल्डन और पिंक तो मैं बहुत पहनूंगी, लेकिन मैं वाइट भी ले आई हूँ तो मैं अब ऑब्वियसली इसको भी यूज़ करूँगी। तो ये जीन्स एक मैंने ली थी, और ये मुझे इसके ऊपर रिबन बहुत अच्छा लगा है, और स्लिम फिट है, साइज़ 14 है, 14 है, हाँ साइज़ 14 है, थोड़ा सा ये भी मुझे लूज़ है, लेकिन जो साइज़ 12 है वो मुझे टाइट था, वो उसमें मैंने कंफर्टेबल नहीं रहना था तो फिर इस वजह से मैंने 14 साइज़ लिया है, और इंशाल्लाह 12 तक जा रही हूँ, फिर 10 तक जाने का टारगेट है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये है स्किनी फिट, और हाई राइज़ है, और अब चूंकि मैं स्लिम होना शुरू हो गई हूँ काफ़ी, मेरी बॉडी ट्रिम डाउन हो गई है, तो हाई राइज़ मुझे अब अच्छी नहीं लगती, मैं मीडियम राइज़ या आगे जाके जब बिल्कुल अपनी मर्जी का वेट लूज़ कर लूँगी तो फिर मैं जो लो राइज़ लूँगी, और मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं। और एक ये प्लेन ब्लैक है, और ये जैगिंग्स हैं, और ये भी आई थिंक 14, हाँ 14 साइज़ है ये भी, ये मीडियम राइज़ है। उसके बाद ये है मेरा प्लाज़ो, ये प्लाज़ो है प्लेन ब्लैक है, और ये मैंने घर के लिए लिए हैं कंफर्टेबली पहनने के लिए, और इनके साथ जो टी शर्ट्स होती हैं या जो शर्ट्स होती हैं वो टी शर्ट्स तो नहीं कह सकते, शर्ट्स होती हैं, और वो जो है वो बिल्कुल वेस्ट लाइन तक आती हैं, या उसमें इसको टक इन करते हैं इसमें ट्राउज़र में, लेकिन मैंने घर पे पहने हैं और मैं इस तरह से पहनूंगी कि खुली खुली सी ये शर्ट्स हैं और इनके नीचे ये पहन लूँगी, तो बेशक मैं आपको पागल लगूँगी प्लीज़ ये ना सोचना कि मुझे फैशन सेंस नहीं है सिर्फ मैंने घर में पहनने के लिए ली, जो बहुत प्यारा लगा था।
और मैंने एक्साइटमेंट में कि ये मुझे एक तो चेकर्ड बहुत अच्छा लगता है, और चेकर्ड के साथ जो है चिकनकारी टाइप मटेरियल है वो उसमें निटिंग हो के बना हुआ है, तो फिर मैं रह नहीं सकी और मैंने फ़ौरन इसको ले लिया है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये कपड़ी है और आपको पता है कि फिर वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसमें फिर नमाज़ नहीं होती, बट एनीवेज मैंने जब नमाज़ पढ़नी होगी तो फिर मैं नीचे सॉक्स पहन लूँगी, कवर हो जाएगा। और ये हैं शर्ट्स जो मैंने लिए हैं, कुछ सिटी मैक्स से लिए हैं, कुछ सेंटर पॉइंट से लिए हैं, और अभी मैंने पाकिस्तान से भी कपड़े मंगवाने हैं। ऑलरेडी मैं खुली शर्ट्स लेती हूँ, मुझे लूज़ लूज़ ही शर्ट्स पहननी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही खुली हो गई हैं। ये देखें, आई थिंक मैं अगर अपने लिए फ़िटिंग वाला साइज़ लूँ तो 8 साइज़ भी मुझे चलेगा। मुझे इसके ऊपर ये स्टोन्स हैं, देखें कितने प्यारे स्टोन्स हैं, इस पर भी देखें इतना शाइनी प्यारा वाला डोनट है। चूज़ हैप्पी, और ये भी सीक्वेंस हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि स्टिच हुए में ये ग्लूड नहीं है, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि ये वॉश होंगे तो उतर जाएंगे। हाँ, ये जो है इसका मुझे डर है क्योंकि ये ग्लू से लगे हुए हैं। सिटी मैक्स के जो इस तरह से ग्लिटर जो उन्होंने ग्लू से अप्लाई किया होता वो तो नहीं उतरता बहुत सारी वॉशेस के बाद भी, अब इसका मुझे नहीं पता। ये बाकी की मैं स्प्लैश से लेके आई हूँ, ऊप्स 14 साइज़। अच्छा, इनके जो 14 है वो थोड़े थोड़े से स्लिम फिट में आते हैं, मतलब कैमरा में देख के अगर आपको आइडिया हो रहा तो वो शर्ट तो यहाँ यहाँ तक जा रही थी, और ये स्लिम फिट में है, और ये अच्छी लगी थी मुझे शर्ट्स। स्लीप मोड ऑन, जो कि मेरा कभी ऑन नहीं होता, मेरा स्लीप मोड हर वक्त ऑफ रहता है, लेकिन फिर भी मैंने ये ले ली कि शायद मेरा स्लीप मोड ऑन हो जाए। जस्ट किडिंग, अब मैं अच्छा सो लेती हूँ। एवरीवन स्टे कनेक्टेड। और एक ये शर्ट थी, ये मुझे बहुत क्यूट लगी थी, ब्लू कलर है और ये देखिए वेव्स टाइप थी बनी हुई, बहुत अच्छी हैं, और इसमें भी यही स्टोन्स लगे हुए एम्बेलिशमेंट है, ये देखें इसमें भी स्टोन्स लगे हुए एम्बेलिशमेंट, बहुत प्यारी है इसकी। और सिंपली स्वीट चॉकलेट वनीला कुकीज़ एंड क्रीम ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी एप्पल सिनेमन, ये तो मैं किचन में कुकिंग और बेकिंग करते हुए मैं ये पहनूंगी। सिंपली स्वीट अच्छी है ये 16 साइज़ में मिल रही थी, 14 में ख़त्म हो गई थी। मैं इतनी पागल हूँ ना मतलब खुले कपड़ों में कि मैं 16 भी ले आई हूँ, ये देखें। और ये भी आई थिंक 16 साइज़ है, पता नहीं 92 ईयर्स लिखा हुआ इस पे साइज़, देखें। तो मैं अपने लिए इसलिए लेके आई क्योंकि मैं 92 ईयर्स की हूँ। और ये है ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, हम ही पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या है ये। ओके, एक सिंपल सी थी घर में पहनने वाली, आई जस्ट इन्जॉय चिली। ये थी, ये लास्ट शर्ट है। और फिर अब मैं बाकी स्टफ़ दिखाती हूँ। मैं आर्डीन से लेके आई हूँ, इस तरह के मैं दो बैग्स लेके आई हूँ। ये मैं अपनी एक सिस्टर के लिए लेके आई हूँ, और ये जो है बहुत अच्छा लगा था मुझे। मेरे पास भी ऐसा ही सेम है, आप मुझे व्लॉग्स में देखेंगे, लेकिन मैंने एक्चुअल में दो बैग्स लिए हैं। वह इस तरह के फ्रंट बिल्कुल प्लेन है और ये बैग पे पॉकेट है और ये बना हुआ है, बहुत प्यारा लगा था मुझे ये। और ये आर्डीन से लिया था मैंने, और ये भी मैंने आर्डीन से लिया है, ये भी शाइनी है ग्लिटरी, इस पर सीक्वेंस लगे हुए हैं ग्लू के साथ। और वॉलेट, मेरा वॉलेट जो है वो बिल्कुल, अब फिर मेरे पास मैंगो का वॉलेट था और वो पूरा एक साल बड़े अच्छे से चला था, अब देखते हैं ये कितना चलता है। और ये जो है मुझे बिल्कुल बुज़ुर्गों वाला लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे ये वाला पैटर्न कभी पसंद नहीं आया, लास्ट ईयर बहुत इन था ये कपड़ों वगैरह में, मुझे अच्छा नहीं लगा, इवन अभी भी लोग पहन रहे हैं, लेकिन ये बुज़ुर्गों वाला लगता है मुझे। और शहजाद ने लेकिन मुझे कहा कि अच्छा है ले लो, तो फिर मैंने ले लिया। दो वॉलेट्स मैंने क्या करने हैं, प्रॉब्ली ये भी मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी। और ये ग्लास का और कप्स का जो मुझे ऑब्सेशन होता है हर वक्त, तो ये मैं लेके आ गई हूँ। लंच बॉक्सेस का भी, हाँ मेरे पास इतने ज़्यादा हैं ग्लास कप्स और लंच बॉक्सेस कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने ज़्यादा मैं उसमें से फेंकती भी जाती हूँ, फिर जो मुझे कोई चीज़ नज़र आए मैं ले आती हूँ। अभी मेरे पास इतने सारे कप्स और ग्लासेस और वो जो है मेसन जार्स हैं, फिर भी मैं ये उठा के ले आई हूँ, लेकिन इसमें मैं ज़रूर पानी पीऊँगी और इसके अंदर मैं लेमन डाला करूँगी समर में। उसके अलावा ये शूज़ हैं, ये मैं आर्डीन से लेके आई हूँ, और ये मैंने आज पहन लेने हैं।
और साइज़ 9 है, थोड़े थोड़े ये खुले हैं लेकिन इनका ये कि साइज़ 8 मुझे थोड़ा टाइट है और साइज़ 9 जो है वो खुला है, लेकिन खुले ले लेने बेहतर है क्योंकि टाइट में से तो टाइट चीज़ें नहीं पहनी जाती। और इसका साइज़ 8 है, हाँ ठीक है। और एक ये है, ऑलरेडी मुझे लगता है कि मेरी हाइट के हिसाब से मेरे पाँव लंबे हैं आप में से किस किस के लंबे हैं मुझे बताएं। और ये भी साइज़ 9 है, थोड़ा सा आगे कॉटन रख लूँगी लेकिन प्यारे बहुत लगे थे और 8 साइज़ टाइट था। तो ये जो थे ना ये सारे आई थिंक मुझे 20 रियाल्स में मिले हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस आप देखें 85 रियाल्स, वो इतना प्यारा, ये देखें वो जो क्रोशिया होता है ना ये वो बना हुआ है, सारा शूज़ से बना हुआ है। और जस्ट इमेजिन कि ये आपको 20 रियाल्स में मिल रहा हो तो आपका क्या हाल हो जाएगा। और ये देखें, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत बहुत अच्छे लगे हैं। और ये कलर भी अच्छा लगा है मुझे, हमेशा से ब्लॉसम वाला प्रिंट और पैटर्न बहुत प्यारा लगता है और इस वजह से मैंने ये लिए हैं।